इन्हें मंच पे बैठे इन हाल में हाजरीन मौजूद सभी मौजूद मेहमानन के एजेंसी बोर्ड जे 75 सालन जी जलसे जो लख लख वादा एजेंसी बोर्ड के 75वें स्थापना वर्ष समारोह का इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी कुलपति मुंबई विश्वविद्यालय श्री अनिल हरीश प्रेसिडेंट हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी प्रोवेस एचएसएनसी विश्वविद्यालय श्री किशु मनसुखानी पूर्व प्रेसिडेंट एचएसएनसी बोर्ड श्रीमती माया सानी ट्रस्टी श्री दिनेश पंजवानी सचिव एचएसएनसी बोर्ड डॉक्टर हेमलता बागला कुलपति एचएसएनसी यूनिवर्सिटी पदाधिकारीगण बोर्ड के सदस्य प्राचार्य अध्यापकगण आमंत्रित देवी और सज्जनों हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एचएसएनसी बोर्ड एचएसएनसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और उनके सभी संबंध संस्थानों को बधाई देता हूं। एचएसएनसी बोर्ड सिंधी समुदाय की कड़ी मेहनत दृढ़ संकल्प और सफलता की जीती जागती मिसाल है। आप एक पौधे को उखाड़ते हैं तो वह शायद ही कभी किसी दूसरी जगह पर जड़े जमा पाती है, अक्सर उस पौधे का विकास रुक जाता है, कभी कभी तो पौधा मुरझा जाता है। लेकिन सिंधी समुदाय दुनिया का एकमात्र ऐसा समाज है जिसने अपनी ही धरती से उजड़ने के बाद भी न सिर्फ अपनी जड़ें जमाई बल्कि दूसरे स्थान पर खुशबूदार फूलों की तरह अपने उद्योग परिश्रम और विविध योगदान से सिंधी समाज ने नए भारत को समृद्ध बनाया। आज विश्व में सिंधी समाज सबसे सफल व्यापारिक समुदायों में से एक है जो देश की और राज्य की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। एचएसएनसी संस्था के इतिहास से पता चलता है कि एचएसएनसी बोर्ड की स्थापना शिक्षाविदों शिक्षकों और अन्य अच्छे लोगों द्वारा की गई थी जो विभाजन के तुरंत बाद सिंध से मुंबई आ गए थे। एक आपदा को अवसर में बदलने वाले उन सभी महान आत्माओं के साहस और दूरदर्शिता की प्रशंसा करता हूँ। आज एचएसएनसी बोर्ड के संस्थापक बैरिस्टर एचजी आडवाणी और प्रिंसिपल केएम कुंदानी उनके द्वारा स्थापित संस्थानों द्वारा किए जा रहे अद्भुत कार्यों को देखकर वे स्वर्ग में भी प्रसन्न हो रहे होंगे। संयोगवश आज विद्यासागर स्वर्गी के एम कुंदनानी जी की जयंती है। इस दूरदर्शी शिक्षाविद को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपनी शानदार यात्रा के पिछले 75 वर्षों के दौरान एचएसएनसी संस्थानों ने देश को सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर दिए, बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फार्मेसी लीडर, वैज्ञानिक, वकील आदि दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि एचएसएनसी संस्थानों ने मुंबई को देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों के मानचित्र पर ला दिया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के सर्वेक्षणों में एचएसएनसी संस्थानों का नाम अवश्य शामिल होता है, जिसका श्रेय ट्रस्टियों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों, कर्मचारियों और सभी छात्रों को जाता है। देवी एवं सज्जनों, भारत में सार्वजनिक निधि पर चलने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। वर्ष 2020 तक भारत में 416 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय, 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 159 राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा संस्थान जैसे एम्स, आईआईटी, आईआईएम आदि शामिल है। भारत ने अब 50% सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि अधिक सकल नामांकन बढ़ाने के प्रयास में
उत्कृष्टता में भी कमी ना आए, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज दुनिया के शीर्ष 200 महाविद्यालयों में हमारे केवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई को स्थान दिया गया है। हमें उच्च सकल नामांकन प्राप्त करते समय गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना होगा। महाराष्ट्र में एचएसएनसी जैसे बेहतरीन उच्च शिक्षा संस्थान है जो विश्व स्तरीय संस्थानों में बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण की गुणवत्ता पर नए सिरे से जोर देना होगा। छात्रों को उच्चतर शिक्षा से जोड़ने के लिए सीखने की नवीन तकनीकों को अपनाना होगा। सामग्री और पाठ्यक्रम को संशोधित करना होगा। अनुसंधान को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना होगा और नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी बदलाव लाने जा रहे हैं। शिक्षा संस्थानों को इन प्रौद्योगिकियों को प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य के कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिकृत शिक्षण को बढ़ाने के लिए कॉलेजों को AI को अपनाना चाहिए और AI से बहुत जॉब रिडंडेंट हो जाएंगे, लेकिन नए जॉब भी निर्माण हो सकते हैं। हमें शिक्षा में AI के मद्देनजर जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता है। राज्यपाल के रूप में मैं 26 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूँ। इन सभी विश्वविद्यालयों में से पुणे सबसे अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करता है। पुणे में भी कुछ डीम्ड संस्थाएं विदेशी छात्रों के लिए आकर्षक शिक्षा गंतव्य बन चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि HSNC संस्थान देश और दुनिया भर में छात्रों को आकर्षित करेंगे और मुंबई को उच्च शिक्षा के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाएंगे। मेरा मानना है कि एक विश्व स्तरीय संस्था बनने के लिए सर्वोत्तम फैकल्टीज का होना आवश्यक है। एक अंतरराष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ संकाय छात्रों को अद्वितीय दृष्टिकोण और अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे एक गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिल सकता है। हमारी उच्च शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यक्रमों की योजनाएं डिजाइन और कक्षाएं संचालित करते समय छात्रों के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उत्कृष्टता की खोज में छात्रों की राय बहुत मूल्यवान है। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन की प्रथा है। यह शिक्षकों द्वारा छात्र मूल्यांकन जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। यह पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, इंटरडिसिप्लिनरी सीखने को प्रोत्साहित करता है और आलोचनात्मक सोच को समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को NAP की समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने कर्तव्यों को अपनाते हुए इन परिवर्तनों को अपनाना चाहिए। The celebration of the 75th year of the HSNC board is truly a great occasion and is a time to look back and to look ahead. Let me extend my sincere appreciation and hearty congratulations to the glorious academic excellence of 75 years by HSNC collegiate board. That's really a remarkable, like maintaining and sustaining a continuous path of an academic excellence over 75 years, that through variety of academic disciplines. We have a glorious time. The 75th year of the independence, also of the HSNC board, the 75th year. And yesterday we landed on the moon. What a wonderful coordination with all the activities that we have done to have that. India has a history of education from 427 to 1197. Nalanda was known throughout the world for 700 years to be leader in education and center of learning. Aaj ki tarikh mein Pradhan Mantri Narendra Modi ji yehi samay wapas lana chahte hain aur iske karan NEP 2020 ko phir yahan leke aa rahe hain. Main ye aashwasan dena chahta hoon Governor sahab ki aapke leadership se मुंबई यूनिवर्सिटी,
HSNC University, ये golden period भारत में फिर लेके आएंगे. We have had a remarkable journey, as our president has already said, of 75 years. In the last 20 years, when this board took over, we made a transformation. We had 11 colleges, we made 14. We increased the number of students from 22,000 to 42,000 students, but we created a different transformation in the method of education.